नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका प्यार से चैनल टेक बाई एसपी। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज निकल के सामने आ चुकी है। जो खुशखबरी आप सभी कर्मचारियों को दिवाली पे नहीं मिला, दशहरा पे नहीं मिला, आज वह खुशखबरी निकल के आ चुकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों से जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी कर्मचारियों को देखने और सुनने को मिलेगा। तो लंबे समय से जो उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारी काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे, अब फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि श्रम मंत्रालय से नोटिस जारी हो चुका कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐलान किया गया है। इसमें कहा गया है कि 10 साल का अनुभव रखने वाले संविदा कर्मचारी को किया जाएगा परमानेंट। यानी अगर आप भी उत्तर प्रदेश में संविदा पे कार्य करते हैं और आपका भी अनुभव 10 साल का हो चुका है तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने जा रही है, जो कि साल 2025 में आप सभी कर्मचारियों को नियुक्तियां भी देने की बात कही गई है। यूँ कुल मिलाकर के देखा जाए तो छठ के अवसर पर आप सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण आदेश जारी हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके होंगे वह दिसंबर महीने से होगा। अब दिसंबर महीने से क्यों होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया है कि सभी संविदा कर्मचारी जिनका भी अनुभव 9 साल से ज़्यादा का है वो है अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट बना करके रेडी रखेंगे और उनके नियमितीकरण का ऐलान हो चुका है। कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी संविदा कर्मचारियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकती है, तो आप लोग अपने तरफ से पूरा तैयार रहिएगा। दिसंबर महीने से आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। बात किया जाए, इसमें लगभग 40 विभाग को परमानेंट किया जा रहा है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐलान किया गया 40 विभाग को परमानेंट किया जाएगा। बस उसमें दो कंडीशन देखी जा रही है, पहला कंडीशन आपका कि 10 साल का अनुभव और दूसरा कंडीशन 60+ की उपस्थिति। साथ ही साथ इन सभी संविदा कर्मचारियों को जो है हर बार दिवाली पर बोनस भी दिया जाएगा और साथ ही साथ प्रोत्साहन राशि भी देने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।